शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तो बात पानी की तरह साफ हो गई। ये चंपा ही डायन है। हाँ, ये डायन है। ये पवित्र गंगा जल इंसानों के पाप धोता है और डायनों को जला देता है। ये तो डायन है, डायन है, ये तो डायन है। अरे सीता मैया को भी आग नहीं जला सकी थी और तू गंगा जल से जल गई। तू सच में डायन है, डायन। ले चलो इसको काल वृक्ष पर। घूमकर वहीं आ गया जहाँ बरसों पहले था। बरसों पहले इसी काल वृक्ष के नीचे गांव वालों ने डायनों का अन्याय किया था। आज फिर वही होगा। जी जी। चला दो। चला दो। नहीं, हम डायन नहीं है, हम डायन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे काका? इंतजार, इंतजार करो कमला, तांत्रिक के आने तक। तांत्रिक के आने तक ये डायन को काल्पिक से बांध दे। चाची नहीं। ठीक है, बांधो। नहीं, नहीं, काका हम डायन नहीं है, हमारा हाथ जोड़े हम डायन नहीं है। काका ये आप क्या कर रहे हो? हमारी चीची भेड़ बकरी नहीं है, आप उन्हें रस्सी से बांध दोगे? हट जाओ तारा। नहीं हटेंगे। हट जाओ। नहीं, हट जाओ। तारा, तारा, तारा तू ठीक है? आसमान का तारा टूट जाए तो आसमान कुछ नहीं कहता, लेकिन ये आसमान का तारा नहीं है, ये हमारी तारा है, हमारी आंखों का तारा। और अगर इसकी तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा ना, गंगा कसम सीता नहीं छोड़ेंगे अब। तारा, thank you.
सरपंच जी की जान ले ली? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तारा भाग, हमसे बचकर भाग जाओगी चंपा तारा, लेकिन राठौर परिवार से बचकर नहीं भाग पाओगी। गांव के किसी भी कोने में तुम छुप जाओ, राठौर परिवार तुमको ढूंढ ही लेंगे। कमला, अरे छोड़ ना इसको, अरे तुम हाँ, चल चल, अरे चल जल्दी। अरे अरे, ये घुड़िया और गंगा जल का खेल तो मैं समझ गया, पर सरपंच को कैसे लटका दिया कमला? अरे हमारे लटकाने से तो नींबू मिर्ची भी ना लटके, पता नहीं ये बूढ़ा हूँ कैसे लटक गया। अब राठौर परिवार को बताने का वक्त आ गया है। पापा खोए नहीं थे, उन्हें उस औरत ने आपसे छीना था। पापा खुद कर्ज थे, मां मैं नहीं हूं। विक्रम को थोड़ा समय दे, चोट बहुत गहरी है बेटा, बरसों बाद भी दर्द जाग जाता है। जानती हूं मां जी, पर बात दर्द की नहीं, डर की है। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आज की रात रात नहीं, नागिन है जो किसी न किसी की खुशियों को डसके ही रहेगी। विक्रम आ गया। विक्रम, राकेश, चलिए कम से कम आपको अपने बेटे का नाम तो याद है ना, वरना विक्रम के सामने हमारी औकात ही कहाँ। बधाई हो, आपका कलेजे का टुकड़ा, इस घर का वारिस लौट आया है। काहे ऐसी बातें करते हो? तो हमारा छोटा बेटा है। माँ, बस छोटा होने का एहसास होता है, बेटा होने का नहीं। तू हर समय काहे चिड़चिड़ाए रहता है? इस घर में सब तेरी बहुत कदर करते हैं। माँ, कोई कदर करे या ना करे, बस आप करते रहिए। बॉडीगार्ड नहीं, रक्षिनी ढूंढ रही हूं। वैसे ही बहुत कुछ खो चुकी हूं मैं, अपना बेटे को नहीं खो सकती। अपनी मां को छोड़कर किसी और औरत को चुना, उनके पति नहीं उनकी पीड़ा है, उनकी जिंदगी का दर्द है। दर्द को सीने से लगा कर नहीं रखा जाता। Thank you.
रेखा दीदी, इतने में हो जाएगा कि और बनाऊं? हाँ बस इतने में हो जाएगा। ला 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 ला। खाना तैयार हो गया रेखा? चाची जी, आज चाचा जी आए हैं ना, तो सब उनकी पसंद का खाना बनाया है। पर उनकी सबसे फेवरेट डिश तो अभी तैयार हो ही रही है। क्या? क्या नहीं, पूछो कौन? कौन? हम। अब हमको सजने सबरने का शौक तो है नहीं, पर हमारे ये ना कह दें कि हाय माधुरी कितनी सिंपल लग रही हो। हंस के दिखाऊंगी मैं, नखरे दिखाऊंगी मैं, अपने सजना को मनाऊंगी मैं। सजूंगी मैं तो अपने सजना के लिए। चल अब आ, तेरे इंतजार में तेरी पत्नी भी भूखी बैठी है। हाँ चाची जी, अभी तो 12 पूड़ियां खाई थी, फिर भूख लग गई। बारह नहीं, दस। दुपति से पहले खाने बैठ गई, परंपरा भूल गई, पत्नी धर्म भी याद नहीं रहा, लेकिन याद रही तो सिर्फ भूख। घर संसार का नाम सुना है ना? संसार पति चलाता है, घर पत्नी। पति घर के सुख चैन भूलकर बाहर जाता है, पत्नी उसका इंतजार करती है। जब वो घर आए उसका ध्यान रखती है, उसे खाना खिलाती है। ये नहीं कि पति के आने से पहले पूरियां ठूस कर बैठ जाए। माँ जी जाने दीजिए ना, पुष्पा ब्याह के काबिल हो गई है, पराए घर जाएगी तो वो भी यही करेगी, वो भी वहां अपने पति से पहले खाना खा लेगी और कहेगी कि मैंने तो मायके से यही सीखा है। हे राम मम्मा जी, हमको क्या लगता है वो डायन के सिंदूर की वजह से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, नहीं तो हमसे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। चुप हो जाओ। साहब, आपने जो कहा था सब हो गया है। चंपा और तारा का घर भी राठौर परिवार के नाम हो जाएगा, बस एक छोटा सा कांटा निकालना है। जल्दी चल, चल। उसे और चला नहीं जा रहा जी जी। तू रो क्यों रही है? आज राखी का दिन है जीजी, सब अपने अपने भाई को राखी मानते हैं ताकि वो उसकी रक्षा करे। मेरा तो कोई भाई नहीं है, कौन मेरी रक्षा करेगा? हम करेंगे ना। तू हमको राखी बांध, बड़ी जीजी तो क्या हुआ, भाई से बढ़कर रक्षा करेंगे। हम ये धागा कभी नहीं निकालेंगे तारा। Thank you.
अपनी माँ से अब तक नाराज है? बेटा कभी माँ से नाराज हो सकता है क्या? तो फिर घर आ जाना, सब तेरी राह देख रहे हैं। जी माँ। आराम से। दीदी। पीछे हटिए। राठौड़ के आदमी। पीछे हटिए। ये कैसी आवाज थी? तारा, दूर! जीजी, तारा! तारा, तू ठीक तो है ना? और राठौर परिवार ने डायन की एक ही सजा तय की है, अग्नि समर्पण। इस डायन को भी जीते जी अग्नि में समर्पण किया जाएगा। जी जी। आके पहले तारा, तारा तुझे हमारी माँ के पेट ले।
तो आसमान साफ था, ये अचानक बिजली कैसे चमकने लगी? डर लग रहा है आज ये बिजली चमकेगी नहीं, गिरेगी भी। हे प्रभु, रक्षिणी के नाम का ये दिया जलाया है, जल्द से जल्द उसे मेरे बेटे की जिंदगी में भेज दीजिए। इतना कुछ खोया है मैंने, उसके बदले में तुम्हारा बेटा तो मैं लेकर ही रहूंगी। पैसे कब तक मिलेंगे? बस ये मैं राठौर साहब को फाइल दे दूंगा, बस वो आपको पैसे भिजवा देंगे। आज हमारे सारे सपने पूरे हो गए, ये घर भी बिक गया और पैसे भी आने वाले हैं, और वो चंपा से जिंदगी भर के लिए पीछा छूटा।